स्वागत है आपका। तो हम बता रहे थे आपको कि सभी आइसोटॉप्स आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं, वे भी स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल इसलिए रखते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका सेम है, मतलब सेम नंबर प्रोटॉन्स है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे तो इंटरेक्शंस दूसरे रिएजेंट्स के साथ, रिएजेंट्स मतलब दूसरे किसी के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे उसे हम बोलते हैं रिएजेंट। जिसके भी साथ ये रिएक्शन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सेम लॉस होंगे या सेम गेन होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसलिए केमिकल रिएक्शंस तो सारी सेम शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में हिस्सा, केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। कौन लेते हैं हिस्सा? इलेक्ट्रॉन्स। कौन लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम रहेगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात तब कर रहा हूं जब न्यूट्रल एटम हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों रखते हैं? सिंपल सा आंसर है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए रखते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर तो होता है इनका सेम, बट एटॉमिक मास होता है इनका डिफरेंट। अब एटॉमिक मास डिफरेंट होने के कारण ये डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दैट इज डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स इनके अंदर डिफरेंट होते हैं। अच्छा, एटॉमिक मास इनके डिफर क्यों होता है? एटॉमिक मास इनके डिफर इसलिए तो होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स इनके अंदर अलग अलग संख्या में होते हैं। यदि न्यूट्रॉन्स अलग अलग संख्या में ना हो तो फिर मास तो इनका सेम ही रहेगा ना। जैसे मैंने आंसर दिया आपको हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3, ये एग्जांपल था हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का। हाइड्रोजन 1 मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन, अच्छा जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, उसके अंदर केवल एक प्रोटॉन होता है, इसलिए उसका मास कितना है? 1। एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन के अंदर। हाइड्रोजन 2 इसका मतलब उसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन 3 इसका मतलब उसके अंदर एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेम ही रहना है। क्यों रहना है प्रोटॉन सेम? प्रोटॉन सेम इसलिए रहना है क्योंकि एटॉमिक नंबर तो भैया सेम है, एटॉमिक नंबर थोड़े ना चेंज कर सकते हो आप। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कहना मैं ये चाह रहा हूं कि न्यूट्रॉन्स की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रखते हैं। एटॉमिक मास क्लोरीन का 35.5 यूनिट, यानी कि यूनिफाइड मास या ग्राम से। क्यों? ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इसका क्यों आ रहा है? क्लोरीन का इसलिए आ रहा है क्योंकि क्लोरीन 35 है हमारे पास, क्लोरीन 37 है हमारे पास, मतलब एक ऐसे क्लोरीन एटम है हमारे पास जिसका मास है 35, एक ऐसा है जिसका मास है 37। तो हम इनका एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं 35.5, इनकी अबंडेंस के अकॉर्डिंग। समझो दोबारा से, एक क्लोरीन एटम वो है जिसका मास 35 यूनिट्स है, एक ऐसा है जिसका मास 37 यूनिट्स है। तो हम कौन सा क्लोरीन का मास यूज करें? हम इनका एवरेज निकालते हैं। क्या? एवरेज। एवरेज एटॉमिक मास यूज करते हैं हम, जो क्वेश्चंस में यूज करते हैं वो कौन सा मास यूज करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज कैसे निकलेगा? 35 यूनिट्स मतलब जो वो क्लोरीन है जिसका मास है 35 ग्राम्स या 35 यूनिट्स, वो तो पाया जाता है नेचर में 75%, और 25% वो पाया जाता है क्लोरीन जिसका मास है 37 ग्राम्स या 37 यूनिट्स। तो एवरेज देखो इनका कैसे निकलेगा, 75% ऑफ दिस प्लस 25% ऑफ दिस, आंसर जो निकल के आएगा वही होगा इनका एवरेज एटॉमिक मास। वही इनका क्या होगा? एवरेज एटॉमिक मास। परसेंटेज निकालना आपसे आता है, 75% ऑफ 35 का मतलब है 75/100 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 25% ऑफ 37 का मतलब है 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 37। इन जब को आप इन्हें जब आप जोड़ोगे और निकालोगे आंसर, तो 35.5 यूनिट्स या ग्राम्स आएगा। That means we actually use average atomic mass in numericals. Numericals में हम average atomic mass का use करते हैं, या जब हम कहीं भी use करते हैं तो average atomic mass use करते हैं। तो ये भी question बन सकता है कि fractional atomic mass क्यों रखते हैं? क्योंकि हम average atomic mass use करते हैं, ज्यादातर atoms जो हैं एक से ज्यादा isotopes रखते हैं अपने, और isotopes रखने के कारण उनका हम average निकालते हैं। फिर कैसे निकलता है average? उनकी abundance के according, मतलब किस percentage में मिल रहे हैं, उन सबको add करना। तो ये था हमारा आइसोटोप्स का कंसेप्ट। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।